नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। राज्यसभा में विधेयकों के लिए ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई, जिसके बाद ये बिल पास हो गए। इससे पहले लोकसभा में भी इन बिलों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, जो बीजेपी की पुरानी सहयोगी थी, उसने बिल का विरोध किया था। पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। देश भर के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस बिल को किसान विरोधी तक करार दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बिल को लेकर किसने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का मानना है कि ये बिल उनकी आत्मा पर हमला है। इन विधेयकों पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। किसान एपीएमसी और एमएसपी में बदलाव के खिलाफ है। बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक है, हमारे लिए किसान समाज का विकास करने वाला है, हम सच्चाई के साथ हैं। एमएसपी को हटाने का कोई निर्णय नहीं है और हम इस झूठ को 2024 तक 8 बार उजागर करेंगे। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश में 70% लोग खेती से जुड़े हैं, पूरे लॉकडाउन में किसान ही काम कर रहे थे, सरकार क्या भरोसा दे सकती है कि बिल के पास होने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और आगे देश में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी ने बताया था कि बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अफवाह पर ही एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि इस बिल के जरिए किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है, ये काला कानून है जिसमें मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध करता हूं। शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा है कि बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जो हितधारक है उनको पहले सुना जाए। नरेश गुजराल ने साथ ही सरकार को चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर ना समझे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई लेना देना नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले समय में भी होगी, इसमें भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस ने कृषि विधेयक का समर्थन किया है। पार्टी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि पूर्व की सरकार मिडिलमैन का समर्थन करती थी, किसानों को अपने उत्पाद को लाइसेंस प्राप्त बिचौलिए और उनके कार्टेल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी बीच वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थन में, यानी कि इस बिल के समर्थन में वोट किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।